सनी पाजी बताना चाहूँगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारा प्यार। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है और दामाद है पाकिस्तान का, भूलिएगा मत। सनी भाई ये देख रहा हूँ मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हो ही रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हो रही है और इतने सारों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सनी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आँखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ, हुआ क्या मोमेंट था वो? देखिए गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसे गदर बना दिया था और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पर उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने। और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज़ सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है।